हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिफागट टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि रिफेक्समिन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि आंतों से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी और जानी मानी टैबलेट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं, क्या इसकी इंटरेक्शंस हैं और कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नाम से टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिफागट टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। रिफागट टैबलेट के बारे में बात करें तो सन फार्मा कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो रिफाक्सिमिन इसमें कंपोजिशन दिया होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो 400 mg का 335 रुपये MRP होता है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो यह हमें 200 mg, 400 mg और 550 mg की अलग अलग स्ट्रेंथ में ये टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है। यह टैबलेट फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, यानी कि यह टैबलेट हमारे पेट में ना घुल के आंतों में घुलती है और सीधा ही अपना काम करती है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको रिफागट नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। जिफाक्सिन, गुटविन टैबलेट, नोडेज टैबलेट, रिफाक्सीमैक्स टैबलेट, रिफासेट टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ MRP और कंपनीज का फ़र्क है। आपको इनमें से जो रेट के हिसाब से ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। अब हम इस टैबलेट की यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो आंतों से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो ट्रैवलिंग डायरिया जैसी समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ट्रैवलिंग डायरिया क्या होता है? ट्रैवलिंग डायरिया वह डायरिया है जो कि हमें यात्रा करते हुए हो जाता है, जो कि दूषित खाना खाने, पानी पीने, तो उस समय उसको जो दस्त होने लगते हैं उन दस्तों को रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स की समस्या को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में क्या होता है? इसमें व्यक्ति की बड़ी आंत प्रभावित होती है। इसमें व्यक्ति को बार बार दस्त लगते हैं, पेट में गैस बनने लगती है, पेट में दर्द होता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा रिफाक्सिमिन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करते हो फूड पॉइजनिंग की समस्या में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति को दस्त लगते हैं, उल्टी आती है और एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो इन समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो यदि आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के यूजेज के बारे में जानकारी थी। अब हम यूजेज जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो सांस लेने में कमी आना, जोड़ों में दर्द होना, नींद आना, उलझन में पड़ना, उल्टी करने जैसी उत्तेजना होना, पेट में दर्द या सूजन का होना, दस्त होना, भूख में कमी होना, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द होना, मुँह का सूखना, सिर दर्द होना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। बोसुट्टी नीब टैबलेट, डाक्लेटास्वीर टैबलेट, एलिग्लूस्टेट टैबलेट, फ्लिबानसिरिन टैबलेट, इब्रूनिटिब टैबलेट, लेडीपासवीर टैबलेट, रोलापीटेंट टैबलेट, ये कुछ मेडिसिन है, इनके साथ आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप इस टैबलेट के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो आप इस टैबलेट को ना लें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या गर्भवती महिला है तो आप इस टैबलेट को ना लें। इस टैबलेट को खाने के बाद वाहन भी ना चलाएं। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो भी आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या बुखार के साथ दस्त आते हैं या खूनी दस्त है तो आप इस टैबलेट को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये इसकी कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। डोज के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमें से पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर बात करें तो दस्त की समस्या में इस टैबलेट को आप 2 से 3 बार खाना खाने के बाद इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं और यह टैबलेट आपको लगातार 3 दिन तक लेनी होती है। 3 दिन के बाद आप इस टैबलेट को बंद कर सकते हैं। अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में बात करें तो इस टैबलेट को आपने सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना है और 14 दिन तक यह टैबलेट दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।